श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। हम बीए एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट के थर्ड टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें विद्या और ज्ञान के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है शिक्षण। शिक्षण क्या कहलाता है? शिक्षण विद्यालयों में सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे क्लास में सीखने सिखाने और पढ़ने पढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसका उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो विद्यालय है वह समाज का ही एक लघु रूप है, इसलिए जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें शिक्षण में क्या होता है, एक अनुभव युक्त व्यक्ति या जिसको ज्यादा जानकार व्यक्ति है, जिसको शिक्षक के रूप में जानते हैं, वह अनुभवहीन व्यक्ति या कम जानकार व्यक्ति जिसको कि शिक्षार्थी कहते हैं को शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षण की प्रक्रिया में क्या होता है, एक अनुभवशील व्यक्ति कम अनुभव वाले व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षण द्वारा सामाजिक परिवेश में परस्पर सहभागिता, जो क्लास होती है वह एक समाज का ही हिस्सा होती है, समाज का ही लघु रूप होती है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण में सामाजिक परिवेश में परस्पर सहभागिता, मतलब दोनों की सहभागिता होती है, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। इसमें परस्पर सहभागिता के साथ जो शिक्षक है वह अपने ज्ञान कौशल व्यवहार व दक्षताओं को शिक्षण के द्वारा छात्रों तक पहुंचाता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षण जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण को अगर देखा जाए तो वह व्यापक अर्थ में भी शिक्षण होता है और संकुचित अर्थ में भी शिक्षण होता है। जिस प्रकार शिक्षा का व्यापक अर्थ है और संकुचित अर्थ है, उसी प्रकार जो शिक्षण है उसको व्यापक अर्थ में देखा जाए तो वह जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति वस्तुओं वातावरण साधन माध्यम आदि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसमें व्यापक अर्थ में शिक्षण में देखा जाए तो व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। संकुचित अर्थ के शिक्षण में देखा जाए, अगर संकुचित अर्थ देखा जाए शिक्षण का, तो जो हमारी विद्यालय शिक्षा होती है जिसका एक टाइम पीरियड होता है वह संकुचित अर्थ के शिक्षण में आती है। इसमें बालक को केवल ज्ञान सूचना और जानकारी देने का काम किया जाता है। इस प्रकार का शिक्षण संकुचित अर्थ के शिक्षण के अंतर्गत आता है। अब हम शिक्षण की परिभाषाओं को देखेंगे तो एनजी गेज के अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षण उन स्थितियों की व्यवस्था एवं निर्माण है। शिक्षण द्वारा विद्यालय में उन स्थितियों का निर्माण किया जाता है और व्यवस्था की जाती है जिनमें कुछ अंतराल तथा बाधाएं हैं। इसमें कुछ कुछ बच्चों को जो परेशानियां आती हैं, जो इंटरवल होता है जिनका किसी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें भी बच्चों को या व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए वह उनको उन सामना करना सीखता है उन चीजों का। और वह शिक्षण के द्वारा उन स्थितियों का निर्माण किया जाता है विद्यालयों में। जैसे बच्चे को कोई परेशानी होती है तो उन परेशानियों को टीचर्स के द्वारा दूर किया जाता है और इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, स्थिति का निर्माण किया जाता है कि बालक कुछ ना कुछ सीखता रहे। शिक्षण की विशेषताओं को अगर हम देखें तो इस प्रकार के फ्लो चार्ट द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। शिक्षण क्या है, शिक्षण सीखने में सहायक होता है। जो भी हम व्यक्ति या बालक सीखना चाहता है उसके लिए शिक्षण बहुत आवश्यक है। संकुचित अर्थ में बालक को विद्यालय में सिखाते हैं और व्यापक अर्थ में देखा जाए तो वह व्यक्ति विद्यालय के बाहर भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षण द्वारा व्यावसायिक विकास होता है। व्यावसायिक विकास क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसको जीवन में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अपने पैरों पर आत्मनिर्भर होके खड़ा होना होता है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा देना शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। सूचना देने में सहायक, जो शिक्षण होता है वह किसी भी प्रकार की जानकारी बच्चों को देता है। ठीक है, किसी प्रकार की भी इंफॉर्मेशन देना हो तो वह शिक्षण के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, कौशल क्षमता का विकास करना, कौशल मीन्स स्किल्स, किसी भी स्किल्स का विकास करना है तो उसके लिए शिक्षण आवश्यक है। आप जैसे
कोई भी जैसे टीचर्स का ये देखें स्किल्स, टीचर्स का स्किल बनाने के लिए क्या है, माइक्रो टीचिंग वगैरह की जाती है। तो हमें कोई भी चीज हम जब सीखते हैं, हस्तशिल्प सीखते हैं, तो उसके लिए भी शिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण द्वारा सिखाया जाता है, तो कौशल की क्षमता का विकास करना भी शिक्षण की एक विशेषता है। सामाजिक विकास में सहायक, शिक्षण होता है वह सामाजिक विकास में सहायक होता है, क्योंकि जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता का विकास उसमें शिक्षण के द्वारा होता है। छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करने में सहायक, जो शिक्षण होता है, जैसे जब बच्चे को कोई चीज नहीं आती है तो शिक्षण के द्वारा उसको सिखाया जाता है और उसके व्यवहार में उन चीजों को लाया जाता है, जिससे बच्चा क्या होता है, उन चीजों को सीख जाता है और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस प्रकार शिक्षण की विशेषताओं में देखा जाए तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना एक शिक्षण की विशेषता है। बेहतर संबंधों का निर्माण करने में सहायक, जो शिक्षण होता है, जब शिक्षण की प्रक्रिया होती है छात्र और टीचर के बीच में होती है और इसमें पाठ्यक्रम एक सहभागिता निभाता है, तो इसमें क्या होता है, टीचर और छात्रों के बीच अच्छे संबंधों का निर्माण होता है। बच्चे अपनी परेशानियां टीचर्स के सामने रखते हैं, टीचर्स उनका समाधान निकालते हैं और इस प्रकार उनमें टीचर्स और स्टूडेंट्स में क्या है, अच्छे संबंधों का निर्माण होता है। उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, जो शिक्षण होता है उसके कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, बिना उद्देश्य के कोई भी शिक्षण या शिक्षा नहीं होती है, ठीक है। तो उद्देश्यों और लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षण सहायक होता है। इस प्रकार हमने देखी है शिक्षण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा दिया गया है थर्ड यूनिट में, शिक्षा बनाम प्रशिक्षण, मतलब शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो शिक्षा और शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं और प्रशिक्षण को ट्रेनिंग कहते हैं। तो शिक्षा में देखें तो देखो, शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है, शिक्षा कैसा है, एक व्यापक अर्थ में होती है, ठीक है। और प्रशिक्षण एक संकीर्ण प्रत्यय है, क्योंकि प्रशिक्षण है जो वह एक विशेष प्रकार के स्किल्स के विकास के लिए दिया जाता है, जबकि शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय होता है। शिक्षा सीखने की एक विशिष्ट प्रणाली है, शिक्षा में एक व्यवस्था की जाती है, पहले से निर्मित एक स्थान होता है जहाँ पे सीखने के लिए, बच्चों के सीखने के लिए व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक होता है और जो ट्रेनिंग होती है वह स्किल्स के विकास के लिए उसका उसकी व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट हम देखें तो शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान, जो शिक्षा होती है, जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है वह तथ्यों पर आधारित होती है, उसके सैद्धांतिक ज्ञान पर हम उस पर बल देते हैं, ठीक है, शिक्षा में। और जो क्या है, किसी भी संस्था में प्राप्त करते हैं, संस्था कौन कौन से, स्कूल हो गए, विद्यालय हो गए, तो यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और प्रशिक्षण किसी विशिष्ट कौशल को विकसित, ये जो ट्रेनिंग होती है वह एक विशेष प्रकार के स्किल को विकसित करने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। शिक्षा में सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया जाता है, जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं कि विद्यालयों में क्या है, जो सैद्धांतिक पक्ष दिए जाते हैं बुक्स में, उन पर बल दिया जाता है शिक्षा में। और प्रशिक्षण में व्यवहारिक पक्ष पर, जो कोई भी चीज है वह हम व्यवहार में कैसे लाएं, अपने जो आज का समय है अपने वास्तविक जीवन में उसको कैसे लाएं, तो वह व्यवहारिक पक्ष पर हमें प्रशिक्षण द्वारा बल दिया जाता है। कोई भी चीज हमें सिखाई जाती है तो उसके व्यवहारिक पक्ष पर हमें प्रशिक्षण बल देता है। नेक्स्ट देखिए, तो शिक्षा शिक्षा किस किस रूप में हो सकती है, शिक्षा है वह औपचारिक रूप में भी हो सकती है, अनौपचारिक रूप में भी हो सकती है, ठीक है। शिक्षा को हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में देख सकते हैं, जैसा हम पहले भी जान चुके थे। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जिसका एक निश्चित स्थान होता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय में हमें औपचारिक शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, विद्यालय के बाहर जो हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसलिए शिक्षा का, क्योंकि व्यापक अर्थ में शिक्षा क्यों है, क्योंकि उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। और प्रशिक्षण को देखा जाए तो हमेशा औपचारिक होता है, जो प्रशिक्षण है होता है वो एक विशिष्ट कंपनी द्वारा या जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा ही किसी विशेष चीज के स्किल के
निर्माण के लिए दी जाती है, इसलिए जो प्रशिक्षण होता है हमेशा औपचारिक होता है। नेक्स्ट हम देखें तो शिक्षा का स्वरूप औपचारिक, अनौपचारिक, वैयक्तिक और सामूहिक। इसका जो स्वरूप है वह औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी, वैयक्तिक मीन्स व्यक्तिगत भी हो सकता है। ठीक है, जो बच्चों को जैसे ट्यूशन पढ़ाई जाती है, अगर बच्चे अकेले पढ़ते हैं तो वह व्यक्तिगत शिक्षा के अंतर्गत आएगी। और सामूहिक, सामूहिक मीन समूह में जब क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को तो वो सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें प्रशिक्षण को देखा जाए तो यह हमेशा औपचारिक और व्यक्तिगत होती है। जब तक व्यक्ति या स्किल का निर्माण नहीं हो जाता है तो उसको प्रशिक्षण नहीं माना जाएगा, इसलिए व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है प्रशिक्षण और व्यक्ति को उसमें कुशल बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो हम एजुकेशन को व्यापक अर्थ में देखते हैं तो इसमें ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है। प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि के लिए होता है। किसी भी प्रकार का हम जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वह उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है। जैसे 1 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी प्रशिक्षण हो सकता है। तो इसमें प्रशिक्षण की एक निश्चित अवधि होती है, जबकि शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसकी अवधि लंबी होती है, मतलब यह जीवन भर चलती है, इसलिए इसकी अवधि लंबी होती है। और इसकी अवधि कम होती है, क्योंकि इसकी अवधि निश्चित होती है इसलिए इसकी अवधि कम होती है। अब इसको हम कैसे आंकेंगे, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो शिक्षा का मूल्यांकन क्या होता है, परीक्षाओं द्वारा, असाइनमेंट एवं कई प्रकार के शोध द्वारा किया जाता है। इसका जो हम मूल्यांकन आकलन करते हैं शिक्षा का, तो जैसे हमारे विद्यालयों में होता है तो परीक्षाओं के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से, प्रोजेक्ट्स वगैरह के माध्यम से हम इसका आकलन करते हैं। जबकि जो कौशल होते हैं, जो कौशल का जो आकलन किया जाता है वह कौशल आधारित परीक्षण, इसमें जो स्किल्स पर आधारित जो टेस्ट होते हैं उनके आधार पर इनका आकलन किया जाता है। तो यह हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट के थर्ड टॉपिक था। इसके बारे में इतना ही। थैंक यू।